दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो कि 35 रुपए से गिरते हुए 10 रुपए के पास में आकर सपोर्ट लेता है, कंसोलिडेशन जोन बनाता है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्रिएट करता है। कंपनी वहां से बाउंस बैक करना स्टार्ट कर दिया है, तो ऐसे में इस कंपनी का आगे का क्या टारगेट हो सकता है, सब कुछ एनालाइज करके हम आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले कंपनी के नाम की बात करें तो मैं बात कर रहा हूँ VCL। आप देखेंगे यह कंपनी पिछले काफ़ी टाइम से यह कंपनी एक कंसोलिडेशन जोन में ही काम कर रहा था, लेकिन आज से इस कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिला। कंपनी में वॉल्यूम की बात करें तो काफ़ी स्ट्रांग वॉल्यूम का डेटा आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे यह कंपनी 9% के ऊपर जाकर क्लोज हुआ है, लेकिन अभी भी यह कंपनी अपने कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही है, अभी भी ब्रेकआउट नहीं आया है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों अगर इस कंपनी में आप फ्रेश एंट्री करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले कंपनी में ब्रेकआउट आ जाने दें। ब्रेकआउट के पॉइंट की बात करें तो 12 रुपये 10 पैसे, 12 रुपये 15 पैसे के ऊपर जब यह कंपनी निकलेगा उसके बाद इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करने की सोच सकते हैं। जिन लोगों ने इस कंपनी को अभी तक होल्ड करके रखा है वो आगे भी होल्ड करके रखें, क्योंकि कंपनी कंसोलिडेशन जोन क्रिएट कर चुका है, कंपनी एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन क्रिएट कर चुका है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो एक बड़ी मूवमेंट आपको जरूर दिखाएगा। लेकिन जो लोग भी इस कंपनी को बाई करना चाहते हैं वो सबसे पहले ये समझ लें कि यह एक पैनी शेयर है। दोस्तों जब भी हम पैनी शेयर को बाई करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न का डेटा देखकर बाई नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आप कंपनी के बिजनेस को देखिए, कंपनी के फंडामेंटल को देखिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि इस कंपनी को आपको बाई करना है, और बाई करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है या फिर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है। इतना होमवर्क आपको खुद करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।